कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त बीटी सर, आपका मेरे क्लास में स्वागत है। वंदन है, अभिनंदन है और चंदन है। तो आई होप आप अच्छे होंगे और होंगे रेडी, क्योंकि आज हम लोग क्या देख लेंगे, सिस्टम। जो कल हम लोग पढ़ रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए सिस्टम देख लेंगे कि सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, सिस्टम किसे कहते हैं, सिस्टम वर्क कैसे करते। ठीक है, आज हम लोग क्या देख लेंगे, सिस्टम। और ये सिस्टम कौन सा सिस्टम है, थर्मोडायनेमिक का। किसका सिस्टम है, टीडी मतलब थर्मोडायनेमिक्स का। ये सिस्टम एलविस यादव वाला सिस्टम नहीं है, है ना, सिस्टम ये नहीं। ये सिस्टम अपना कौन है, एजुकेशन वाला, और एलविस यादव वाला सिस्टम ये नहीं है। तो अब बात करो इसकी, तो जब हम सिस्टम की बात करते हैं तो हम सिस्टम में ये पाते हैं कि सिस्टम में जिस प्रकार से हीट का फ्लो होता है वैसे हम इसको समझते जाएंगे। जैसे मान के चलेंगे, मान के चलो भैया आपके पास एक सिस्टम है, हमने कहा कि जैसे चाय की कप है, अब उसको आप खुला छोड़ दोगे तो क्या होगा, हीट जाएगी। आपने कभी चाय को खुला छोड़ा है तो क्या चाय में से पूरी चाय उड़ गई, ऐसा नहीं ना। चाय जो आप खुला छोड़ोगे तो चाय में से भाप उड़ेगी, ना कि चाय उड़ेगी। तो जब चाय की कप में से भाप उड़ेगी तो हम क्या बोलेंगे कि हीट का इंट्रेक्शन हो रहा है एट ए एटमोसफेयर कंपेयर टू कप ऑफ टी, ये कहेंगे। तो अब हम जब ये मान लेते हैं तो जब हम आगे उसमें बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो हमने क्या देखा कि जो कप के अंदर चाय थी, कप के अंदर जो चाय थी उसको हमने एक मास मान लिया है, मतलब कुछ एक मटेरियल मान लिया जो कि उसमें सिर्फ हीट उड़ेगी बट वो मास नहीं उड़ेगा। क्लियर है, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और बहुत गर्मी लगे तो मेरे पसीने छूटेंगे, है ना, मेरा मास जो लगा हुआ है बॉडी पे ये नहीं गिरेगा, ऐसे समझो तुम। तो मास का मतलब होता है कुछ वो चीज़ जिसमें द्रव्यमान हो, जो अपनी तरफ पृथ्वी खींचे, उसको हम मास बोलते हैं, वॉल्यूम। तो क्या होगा कि जो मास होगा, कितनी भी गर्मी हो कितनी भी ठंडी हो, मास नहीं जाएगा, सिर्फ हीट का इंट्रेक्शन होगा। तो और चाय को हम खुला छोड़ दिए हैं तो क्या हम एक सिस्टम अपने पास क्या हो गया, ओपन सिस्टम। क्या है, ओपन सिस्टम, ये क्या है, ओपन सिस्टम, जिसमें हमने क्या देखा, एक होता है मास और दूसरी होती है हीट। अब हमने जब सिस्टम को ओपन, जैसे कब थी अपने पास चाय वाली, उसको हमने खुला छोड़ दिया कि जा बेटा जी ले अपनी ज़िंदगी, चाय जी ले अपनी ज़िंदगी। जैसे हमने उसको छोड़ा तो हमने क्या देखा कि मास तो ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था लेकिन हीट का ट्रांसफ़र ज़रूर हो रहा था। मास का ट्रांसफ़र तो नहीं हो रहा था बट हीट का ट्रांसफ़र हो रहा था, तो हमने क्या बोल दिया, दैट इज़ ए ओपन सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, जैसे आगे बढ़ेंगे देखेंगे क्लोज सिस्टम। क्या देखेंगे, क्लोज सिस्टम। अपन जब क्लोज सिस्टम की बात करेंगे तो वो सिस्टम, अरे ये क्या है, ओपन सिस्टम है, अरे भाई 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 गलत हो गया। ओपन सिस्टम का मतलब ये होता है, ये यहाँ पे तो गलत हो गया चीज़ें, रुको 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 थोड़ा सा, क्या करोगे इस कॉन्सेप्ट को बदलो भाई, इस कॉन्सेप्ट को बदलो और फिर से लिखो यहाँ पे, वो जितने पीछे पढ़ाए वो भूल जाओ फट से, भूल जाओ फट से, भूल जाओ और इधर आ जाओ, है ना। ओपन क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड, आइसोलेटेड सिस्टम। कहोगे गुरुजी ने तो गलत पढ़ा दिया, नहीं नहीं नहीं, गलत डायरेक्शन में पढ़ा रहा था बट अभी तुरंत इंस्टेंट चेंज करना है। आपके पास ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम, तीन सिस्टम है। सिस्टम का मतलब ये होता है किसी भी एक चीज़ पे अध्ययन करेंगे उस पे आएगा, ठीक है। कप आप वाली जो मैं बात कर रहा था उसमें ये रहेगा, कप एक सिस्टम की बात करेंगे तो मास भी ट्रांसफ़र होगा और हीट भी ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि ये खुला सिस्टम है, एकदम आज़ाद सिस्टम है, इसमें सब ट्रांसफ़र होगा, है ना। जैसे आप एक गेहूं की बोरी खुला छोड़ दो तो लोग क्या करेंगे,
गेहूँ उठा ले जाएंगे खूब उसमें से, बोरी भी उठा ले जाएंगे, तो आपका सब खत्म। अच्छा, क्लोज सिस्टम है कि आपने गेहूँ की बोरी बंद कर रखी है, तो उसमें क्या होगा, उसमें जो मास का ट्रांसफ़र तो नहीं होगा बट हीट का ट्रांसफ़र होगा। क्लोज का मतलब आपने कोई सिस्टम है उसको क्लोज कर रखा है, तो उसमें क्या होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा बट मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा। मास मतलब द्रव्यमान, मतलब कुछ वस्तु का ट्रांसफ़र नहीं होगा। अच्छा, आइसोलेटेड को में ना तो हीट का ट्रांसफ़र ना तो मास का ट्रांसफ़र, ऐसा सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्स। इस सिस्टम में ना तो हीट जाएगी ना तो मास जाएगा, एकदम इंसुलेटेड हो जाएगा। इंसुलेटेड को देखते हुए हम लोगों ने एक सिस्टम बना दिया, इसको क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम को देखते हुए हम लोगों ने इंसुलेटेड सिस्टम बना दिया, लेटेड सिस्टम। इसको हम लोग दूसरे नाम से जानेंगे, जिसको आप लोगों ने देखा भी होगा, थर्मोफ्लक्स। थर्मोफ्लक्स क्या बोलते हैं, जिसको आपने थर्मस बोला है, जिसको आपने थर्मस बोला है, इस ये क्या है, थर्मस। थर्मस हम लोगों ने बना दिया, आइसोलेटेड यूनिवर्स किसके द्वारा बनाया गया है, भगवान जी के द्वारा। किसने बनाया है, भगवान जी के द्वारा बनाया गया जो सिस्टम है वो आइसोलेटेड है। मैन मैड मतलब हम लोगों के द्वारा, क्या लिखो, मैन मैड, हम लोगों के द्वारा जो बनाया गया सिस्टम है वो इंसुलेटेड है। इंसुलेटेड में जो हीट रहती है, अब आगे बढ़ते थोड़ा सा पहले ये समझ लो, पहले इंसुलेटेड को छोड़ दो, गिराओ इसको। ओपन सिस्टम क्या है, मास का ट्रांसफ़र हो नहीं, मास का ट्रांसफ़र होगा, हीट का ट्रांसफ़र दोनों होंगे। क्लोज सिस्टम में मास नहीं जाएगा, सिर्फ हीट जाएगी। आइसोलेटेड में ना हीट ना मास, मतलब यूनिवर्स, मतलब भगवान जी। अब रुक जाओ यहीं पे, अब रुक जाओ यहीं पे और आगे बढ़ो, अब रुक जाओ और आगे बढ़ो, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और इसमें क्लियर कर लो। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, सिस्टम। सिस्टम में हमने क्लोज ओपन पढ़ा है, जब बात आएगी आइसोलेटेड की, आइसोलेटेड सिस्टम की, और जब बात आएगी इंसुलेटेड सिस्टम की, तब हम लोग इसमें क्या देखेंगे बच्चा, तब इसमें क्या देखोगे बाबू, तब इसमें ये देखोगे कि आइसोलेटेड क्या होता है, यूनिवर्स। क्या होता है, यूनिवर्स मतलब गॉड गिफ्टेड, गॉड गिफ्टेड है ये, और ये क्या है, ये है मैन गिफ्टेड। मैन गिफ्टेड मतलब हम लोगों के द्वारा बनाया गया सिस्टम है इंसुलेटेड। इसमें क्या होता है, लिमिट ऑफ द पीरियड, क्या होता है, लिमिट ऑफ द पीरियड ऑफ हीट रिलीज, मतलब कुछ समय के लिए इसमें हीट रुकेगी, एक लिमिट समय है, एक नियत समय है, उसके बाद चली जाएगी। आइसोलेटेड में इनफाइनाइट, क्या है, इनफाइनाइट अनंत टाइम, इनफाइनाइट टाइम मतलब कभी नहीं, जीवन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए मतलब कुछ भी हो जाए, आइसोलेटेड में हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, ना तो मास का होगा, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, कुछ नहीं हो सकता। बट इंसुलेटेड में, थर्मस में आप कोई चीज़ रखो तो उसका लिमिटेशन है, एक घंटा, दो घंटा, पाँच घंटा, एक दिन, तीन दिन, चार दिन, फिर धीरे धीरे उसमें से हीट निकल जाएगी, ठीक है। ऐसा सिस्टम अभी तक नहीं बना है, बट आइसोलेटेड जो भगवान जी ने बनाया है, इसमें आप यूनिवर्स में क्या करोगे, अगर हीट का इंट्रैक्शन नहीं हो रहा तो कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, प्रलय आ जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया समाप्त हो जाए, लेकिन अगर हीट का ट्रांसफ़र ना तो मास का ट्रांसफ़र होगा, उसको क्या बोलोगे, यूनिवर्स, ठीक है। आज इस सिस्टम के बारे में हम लोगों ने ये पढ़ा, इसमें से और एक और सिस्टम है, जैसे कि हम लोगों ने अभी बात किया था, जैसे हम लोगों ने बात किया था अभी,
क्लोज सिस्टम की, हम लोगों ने बात किया था क्लोज सिस्टम की, क्लोज सिस्टम। दूसरा था ओपन सिस्टम। मैं बात करता हूँ क्लोज की, क्लोज में क्या रहता है कि मास का ट्रांसफ़र नहीं होगा, हीट का ट्रांसफ़र होगा। तब ये बताओ कहीं भी अगर कुछ फ्लो कर रही है, सपोज़ दैट ये आपका कोई गर्म एरिया है जहाँ से हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है बट मास का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, तो अगर मास का ट्रांसफ़र हुआ और हीट का ट्रांसफ़र ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। ओपन सिस्टम में क्या है, हीट भी, मास भी जा रहा, हीट भी जा रहा। मतलब क्या है, कोई एक नाला है जिस नाली में एक नहर है, बहुत सुंदर सी गोमती नहर, इसमें से फ्लो कर रहा है वाटर, तो देखो उसका एनर्जी भी फ्लो करेगी और वाटर भी फ्लो करेगा, मतलब मास हीट दोनों जाएंगा। बट अगर तुम कहो कि नहीं मास बाहर चला जाओ, हीट ना जाए, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक ऐसा सिस्टम, अगर कभी कोई कह दे कि कोई ऐसा सिस्टम बताओ जिस सिस्टम, यहाँ नोट लिख लो, बहुत इम्पोर्टेंट है, नोट्स लिख लो, कि अगर जिस ऐसा सिस्टम बताओ कि जिसमें मास का तो ट्रांसफ़र हो जाए बट हीट का ट्रांसफ़र ना हो, ऐसे सिस्टम को क्या बोलोगे, तो कह देना हाँ गुरुजी ऐसा भी सिस्टम होता है जिसमें मास का ट्रांसफ़र हो बट हीट का ट्रांसफ़र ना हो, मतलब इस नहर से पानी फ्लो करे और एनर्जी ना जाए, उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल सिस्टम। क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल सिस्टम, ऐसा सिस्टम संभव ही नहीं है। कि भैया ऐसा सिस्टम संभव ही नहीं है कि आप खाना खाओ और आपकी भूख ना मिटे, ठीक, आप सिर्फ खाना देखोगे और भूख नहीं मिटेगी तो पॉसिबल है, बट आप खाना खाओ भूख ना मिले, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, यानी कि इम्पॉसिबल। तो ये क्या है, इम्पॉसिबल है, या कि एक और ऑप्शन है, या तो फिर नॉट पॉसिबल, बात एक ही है दोनों तरफ से, और सिस्टम इम्पॉसिबल सिस्टम या नॉट पॉसिबल, ऐसा सिस्टम अभी तक पॉसिबल नहीं है कि मास का ट्रांसफ़र हो जाए और हीट का ट्रांसफ़र ना हो, क्लियर है, ठीक है। तो भैया आज हमने क्या पढ़ा, हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है, किन कंडीशन में होता है, हीट एंड मास क्या है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड, इंसुलेटेड सिस्टम क्या होते हैं, कहाँ पे यूज किया जाता है। एग्जामिनेशन में आपके डायरेक्ट यहीं से उठा के सवाल पूछ लिए जाएंगे कि भाई ये कैसा होता, तो आप वहाँ पे आपको बात करना होगा। गाइज इतना ही पढ़ो और मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मौज करते रहिए और क्लास में आते रहिए। ओके बाय बाय।